दोस्तों, जो अगर आप किसी सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और साथ ही भारतीय डाक का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो यह आपके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इंडियन पोस्टल सर्किल ने 10वीं पास कैंडिडेट्स के लिए कई पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। दरअसल इंडिया पोस्टल सर्किल को ग्रामीण डाक सेवक पद के लिए योग्य कैंडिडेट्स की जरूरत है। इसके लिए विभाग ने आधिकारिक तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया है। इच्छुक कैंडिडेट अपनी योग्यताओं को साबित कर इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा विभाग ने कैंडिडेट की सिलेक्शन के लिए कुछ जरूरी सूचनाओं को भी अपने वेबसाइट पर जारी किया है, जो कि कुछ इस प्रकार हैं। दोस्तों, जिस पोस्ट के लिए भर्ती होनी है उसका नाम ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर और असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है। दोस्तों, इस नौकरी में आवेदन के लिए पुरुष उम्मीदवारों को ₹100 आवेदन शुल्क देना होगा, जबकि SC ST एवं महिला उम्मीदवारों के लिए कोई शुल्क नहीं रखा गया है। दोस्तों, इन पदों के लिए कुल रिक्त स्थान 5,000 हैं, जिसमें कैंडिडेट्स का चयन किया जाना है। इस पद के लिए उम्मीदवार का मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास होना जरूरी है और साथ ही कम से कम 2 महीने का कंप्यूटर का कोर्स और प्रदेश की लोकल भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। इस नौकरी में आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की सीमा 40 वर्ष रखी गई है। लेकिन दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि जो उम्मीदवार अलग अलग कैटेगरी में फॉर्म भर रहे हैं, उन्हें उनकी आयु सीमा में विशेष छूट भी प्रदान की जाएगी। पोस्ट में अप्लाई करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 है और आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन माध्यम से करना होगा। दोस्तों, इस नौकरी में आपका वेतनमान विभाग मानकों के आधार पर रहेगा, जो कि 10,000 से लेकर 14,500 रुपए प्रति माह के बीच हो सकता है और साथ ही महंगाई के हिसाब से सालाना भत्ते भी दिए जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि ये भर्तियां उड़ीसा और तमिलनाडु पोस्टल सर्किल द्वारा की जा रही हैं और अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में विभाग के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही आप संस्थान की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।